शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ टाइम पहले हमने एक अपने चैनल में फर्स्ट टाइम उड़िया एक ट्रेलर का रिएक्शन दिया था दमन का। वो बहुत ही अच्छा था, डिफरेंट कॉन्सेप्ट था एंड अच्छा फील हो रहा था। जो क्वालिटी था डायरेक्शन का, जो भी डीओपी का, वो पैन इंडिया लग रहा था। एक ऐसा था कि जो आप अदर स्टेट्स को भी दिखाएंगे तो प्राउड फील होगा, वैसा फीलिंग था। एंड हम लोग को तो ज्यादा ही अच्छा लगा और बहुत प्राउड भी फील हुआ, नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुआ, उड़ीसा का याद आ गया हमको, तो वो बहुत ही अच्छा लगा था दोस्तों। इट वॉज वेरी गुड मोमेंट फॉर अस। एंड तो दोस्तों आओ गो टू ट्रेलर आशीषी। आई गेस वन मंथ है ही गला ना आची प्रतीक्षा प्रतीक्षा व्हाट एवर यू से प्रतीक्षा प्रतीक्षा उसका ऑफिशियल ट्रेलर आया था। उस वक्त कुछ लोगों ने हमको इस पर भी अपना रिएक्शन देने के लिए कहा है। आई गेस हमको एक जो नाम दिख रहा दीपन विद, ये नाम हमने शायद जो दमन में भी देखा था हम लोग। आई गेस वो डायरेक्टर है या एक्टर शायद वैसे ही कुछ होंगे। एंड अमीय पटनायक प्रोडक्शन है दोस्तों। देखते कि ये जो ट्रेलर है प्रतीक्षा मीन्स एक्चुअली दोस्तों जिसको नहीं मालूम है उड़िया नहीं है, वो वेट करना होता है प्रतीक्षा। हाँ तो आपको मालूम है दोस्तों वेट का, ये वेटिंग का है। अब देखते हैं इसमें हमको क्या देखेंगे। आइए दोस्तों देरी नहीं करते हैं, प्रतीक्षा का जो ऑफिशियल उड़िया ट्रेलर है ये देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। आइए बहुत अच्छा है। लेकिन ये वाला जो यूथ का नॉर्मली मिडिल क्लास का है, लाइक आप कोई भी स्टेट में देख ले, इंडियन स्टेट में मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वैसा सबका, चाहे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए सेफ रहे, प्राइवेट जॉब को लेकर अभी भी बहुत लोगों को टेंशन है और जॉब को लेकर ट्राई कर गवर्नमेंट जॉब, इवन प्राइवेट जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन शायद नहीं, मुझे लगता है उसको भी या घर वाले को भी रहता है कि
जॉब का लेके लाइफ में जो चल रहा है बैड, कब अच्छा टाइम आएगा शायद उसको भी लेके है। अच्छा था दोस्तों, कुछ कुछ लाइक सार्केस्टिक और आयरनी वाला जो ह्यूमर होता है, थोड़ा सा डार्क ब्लैक कॉमेडी, उसमें थोड़ा बीच बीच में दुखी वाला टाइप है कि आपको हंसी आएगा लेकिन उसमें गहरा क्या थॉट्स छुपा होगा, वैसा वाला बहुत यूथ को लेके। एंड जो फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही रहते हैं सब जॉब को लेके, फिर वो क्या क्या बोला था, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो अच्छे से शादी कर लिया गया, तो अलग अलग टाइप का दिखा रहे, कोई कार खरीद रहा है, अलग अलग दिखा रहे। गर्लफ्रेंड भी शायद गर्लफ्रेंड का दिखाया कि वो शायद बोलती कुछ भी, तो ये जॉब कर रही है वो जॉब, कुछ तो जॉब कर, वैसा करके था शायद ना, लाइफ में घूम फिर के आ जाता है जॉब को ही लेके, कुछ कमा रहा नहीं कमा रहा है। एंड वो घर का जो एक बैकग्राउंड दिखाया जहाँ पे उनके पिताजी जो योगा कर रहे थे, वो घर का जो अंदर का एरिया, तो देख के उनका लग ही रहा था लोअर मिडिल क्लास वाला घर है उनका, पैसा का एक्चुअली कमी हो चल रहा है घर, लेकिन रियल लोकेशन। अच्छा था दोस्तों, कुछ मुझे लगता थॉट प्रोवोकिंग मूवी है होप मूवी का, जैसा जो स्लो चले, ज्यादा स्लो ना हो, चलते रहे और कुछ अच्छा मैसेज भी एंड में दे, कुछ पॉजिटिव मैसेज इस मूवी से निकले तो बहुत अच्छा रहेगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि ऐसा आजकल यूथ को हम देख ही रहे हैं सब जगह का, ऐसे बहुत रियल रियल फैक्ट और रियल रियल भी दिखाया उड़ीसा का, जो भी लोकेशन भी दिखाया, पर रियल क्वेश्चन है। अच्छा लगा दोस्तों, फिर से एक और बढ़िया हमको एक ट्रेलर देखने मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा दोस्तों आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और भी ऐसे ही कुछ अच्छा अच्छा अगर ओडिया ट्रेलर है जो आप सोचते हैं कि हम उस पर देखें और रिएक्शन दें, हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।